बेन 10 के यूनिवर्स में हमने ओमनीट्रिक्स, रिकैलिब्रेटेड ओमनीट्रिक्स, अल्टीमेट्रिक्स, न्यू ओमनीट्रिक्स, अल्टरनेट बेंस की ओमनीट्रिक्स और भी पता नहीं कितनी सारी वॉचेस देखी हैं। पर ये कार्नेट्रिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्नेट्रिक्स बेन 10 के यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये टोटली फैन मेड है। और ऐसी कई सारी फैन मेड स्टोरीज हैं, लाइक ट्रॉमा ट्रिक्स, चोको ट्रिक्स, वॉर ट्रिक्स और भी पता नहीं कितनी सारी ट्रिक्स। बट कार्नेट्रिक्स की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। तो कार्नेट्रिक्स की स्टोरी क्रिएट किए हैं एक टिकटॉकर यूजर #cannibal099। अगर आपको ये कॉमिक देखनी है तो आप GHG कॉमिक नाम के यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले उनकी वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए मेरी वीडियो। पर अगर आप तब भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं पहले, तो आप देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये स्टार्ट होता है ओमनीट्रिक्स के क्रिएटर एजमथ से। देखो, एजमथ ने ओमनीट्रिक्स इसलिए बनाई थी कि जो इंटेलिजेंट और सेंटिएंट बीइंग्स हैं उनके DNA को प्रिजर्व करके रखा जा सके। बट कार्नेट्रिक्स के यूनिवर्स में एजमथ एक नंबर का हरामी आदमी है। उसने ओमनीट्रिक्स तो क्रिएट की, पर एक नोबल कॉज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लाइफ फॉर्म को खत्म करने के लिए उसने कार्नेट्रिक्स बनाई। और आगे वही होता है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। कार्नेट्रिक्स मिलती है 10 साल के बेन टेनिसन को। जब भी बेन को मिलती है तो तुरंत ये बेन के हाथों से चिपक जाती है। और कार्नेट्रिक्स का मेन फीचर यही है कि उसके आसपास अगर कोई भी लाइफ फॉर्म डिटेक्ट होती है तो कार्नेट्रिक्स अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और बदकिस्मती से वहां पे ग्वेन भी थी। कार्नेट्रिक्स अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और बेन अपना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना दर्दनाक होता है कि बेन चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। उसकी पूरी बॉडी जल रही होती है और वो बन जाता है हीट ब्लास्ट में। पर ये कोई नॉर्मल हीट ब्लास्ट नहीं होता है, ये हीट ब्लास्ट का एक मॉन्स्टराइज वर्जन होता है। और तभी हम देखते हैं हीट ब्लास्ट ग्वेन की मुंडी पकड़ के उठा लेता है उसे और उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है। वो अपने हाथों से उसका सर कुचल देता है। ये खूनी मंजर यहाँ नहीं रुकता है, वो ग्रैंडफा मैक्स को भी मार डालता है और वो शहर के लोगों को भी एक एक करके जान से मारने लगता है। ये मामला इतना बड़ा हो चुका था कि देश की मिलिट्री को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। पर इंसानों को क्या पता था कि उनका सामना किससे होने वाला था। कार्नेट्रिक्स बेन को ट्रांसफॉर्म कर देती है एक ऐसे एलियन में जो पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। हम देखते हैं बेन ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में और फिर बेन अर्थ के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देता है। अब बात मल्टीवर्स तक पहुंच गई थी, तो ये सब देख के मिस्टर पैराडॉक्स अल्टरनेट यूनिवर्स के बेन टेनिसन की टीम को यूनाइट करते हैं और फिर एक जंग होती है कार्नेट्रिक्स वर्सेस अल्टरनेट यूनिवर्स के बेन टेनिसन की। इस लड़ाई के दौरान कई सारे बेन टेनिसन की मौत हो जाती है। आखिर में अपना ओमनीवर्स का बेन 10,000 एटॉमिक्स बन के कार्नेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ सेलेस्टियल सेपियंस की मदद से कार्नेट्रिक्स के यूनिवर्स को रिस्टोर कर दिया जाता है। अब स्टोरी कई साल आगे बढ़ जाती है। कार्नेट्रिक्स के यूनिवर्स का बेन टेनिसन ट्रॉमाटाइज हो चुका था क्योंकि उसने अपने हाथों से अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और पता नहीं कितने सारे लोगों को मार डाला। मतलब इतनी सारी मौतें देख के थैनोस भी अपने आप को छोटा समझेगा। बेन की ऐसी हालत देख के मिस्टर पैराडॉक्स बेन को समय में पीछे ले जाते हैं उस टाइम पे जब बेन को कार्नेट्रिक्स मिलने वाली थी। इससे पहले कार्नेट्रिक्स बेन को मिलती, फ्यूचर वाला बेन उसे जाके रोक देता है जिससे पूरी टाइमलाइन इरेज हो जाती है और फ्यूचर वाला बेन खुशी खुशी गायब हो जाता है। अब आपके मन में कार्नेट्रिक्स से रिलेटेड काफी सवाल होंगे, जैसे कि एजमथ इतना हरामी कैसे है, एजमथ को किसने मार डाला, कार्नेट्रिक्स का एलियन एक्स कितना पावरफुल है, क्या विलगैक्स एक प्लमर है इस यूनिवर्स में। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिनका जवाब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। तो अगर आपको मूवीज, एनिमे, मांगा और किसी भी टाइप की फिक्शनल चीज के बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मेरे शॉर्ट्स देखिए, वीडियोस देखिए। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द।